हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल पे आप अभी नए आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे, वो भी फ्री में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सपोर्ट करिए। मैं हर बार नई वीडियो लाती हूँ और अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लाने की कोशिश करती हूँ, तो प्लीज़ मुझे पूरा सपोर्ट करिए। तो आज मैं बताऊंगी आज मैं बताऊंगी आपको एकदम नए तरीके की गिलकी की सब्ज़ी। तो देखिए, हमें उसके लिए गिलकी किस तरीके की चाहिए होगी। हमें गिलकी ताज़ी चाहिए, हरी गिलकी चाहिए और इस तरीके की चाहिए, पतली गिलकी। देख रहे हैं ना आप ये वीडियो में, इस तरीके की गिलकी चाहिए हमें ये। अब क्या करेंगे हम, अब गिलकी को छील लेंगे चाकू की हेल्प से। ये देखिए, ये छील ली हमने सारी गिलकियाँ और अब इस तरीके से ये काट ली है। ये देखिए, हमने थोड़े से लंबे पीस में काटी। आप चाहे तो आपकी चॉइस के हिसाब से, आप जैसी चाहे वैसी काट सकते हैं आपके हिसाब से ये। और एक चम्मच हमने बेसन लिया है, इसमें कुछ नहीं तेल घी कुछ नहीं डाला है, बगैर कुछ डाले सेकना है हमें, थोड़ा सा हल्का सा भुनना है धीमी आँच पर चलाते हुए। और ये तेल, अब कढ़ाई में तेल डाला है हमने। और अब ये एक बड़ा प्याज लिया, अगर आपके प्याज छोटे हो तो आप दो प्याज ले सकते हैं बारीक काट के। और अब तेल में हम इसे भुनेंगे, ये धीमी आंच, ये भुनना है। आप ध्यान रखें कि मीडियम आंच पे करें, तो प्याज जले नहीं, ध्यान रखें इसका। तो चलाते हुए भुनना है। और एक बड़ा टमाटर, प्याज भुन गए हैं हमने, बड़ा टमाटर लिया, अगर आपके छोटे टमाटर हो तो आप दो तीन टमाटर ले सकते हैं, ये डाल देंगे इसमें। और ये इसमें बेसन, धनिया, टमाटर, ये सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है, सारी सामग्री डाल दी हमने इसमें, मसाले वगैरह सब डाल दिए इसमें। और सारी चीज़ें डाल के अब ये भुनना है हमें, इस तरीके से भूनना है कि धीमी आंच पर, ध्यान रखें कि चेटे नहीं मसाला नीचे। और ये इस तरीके से ढक देना है, तो ताकि ढक देंगे ना तो क्या होगा कि हमारे जल्दी से जल्दी है ना टमाटर अच्छे से न सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हमें थोड़ा ढक के पकाना है ना। अब देखते हैं, ये देखिए अब ये मसाला हो गया है अच्छे सॉफ्ट, टमाटर हो गए हैं, मसाला भी अच्छे से भुना गया है। तो अब हमें गिलकी जो हमने काटी थी ना उसे डाल देनी है और ये अच्छे से मिलाना है। ये देखिए अब क्या होगा, अब थोड़ा सा हम चाहें अगर थोड़ा सा चाहो तो पानी डाल सकते हैं। और ऐसे अगर कभी आपको लगे कि गिलकी ने पानी छोड़ दिया तो ज़रूरत नहीं है आपको पानी डालने की, पानी आप बाद में ही डालिए, क्योंकि पकाने के लिए तो थोड़ा सा डालना ज़रूरी रहेगा। तो इसलिए, पर पानी छूट गया हो, गिलकी ने छोड़ दिया हो ना, तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है आपको, ऐसे ही पका लीजिए फिर, है ना ये। और फिर ढक देंगे हम, ये ढक के पकाना है ताकि जल्दी से जल्दी हमारी गिलकी पक जाए, है ना, इसलिए हमें ढकना ज़रूरी है। धीमी आँच रखें। ये देखिए, ये पक गई, ये गिलकी की सब्ज़ी तैयार हो गई है। ये देखिए, ये एकदम एकदम है ना चूरा हो गई है। देखिए, हम ये निकाल के आपको करके बताइए, हो गई है पूरी तरह गिलकी, हो गई है तैयार, हो गई है सब्ज़ी गिलकी की, अपनी उतार लेंगे। ये देखिए, ये बढ़िया, कितनी बढ़िया बन रही ना, है ना, एकदम नए तरीके की सब्ज़ी, जो कभी आपने इस तरीके से खाई नहीं होगी बना के, एकदम नया तरीका। और तो आप एंजॉय करिए, आप ज़रूर ट्राई करिए इस गिलकी की सब्ज़ी को, और मुझे बताइए कि ये नए तरीके की गिलकी की सब्ज़ी कैसी लगी आपको। बाय बाय फ्रेंड, अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर।